हाय गाइस, मेरा नाम है डेनिस और आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव पपराजी। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा द BS6 महिंद्रा XUV300 के बारे में। सो इससे पहले मैं और इन्फॉर्मेशन दूं, मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड आल्सो द बेल आइकॉन, ताकि आप मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियोस पे नोटिफिकेशन पा सकें। तो गाइस, अभी जो रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि महिंद्रा ने लॉन्च कर दी है अपनी BS6 इंजन अपग्रेड्स के साथ XUV300, और उसके प्राइस में कुछ हाइक नहीं आया है। जी हाँ, उसके प्राइसेस में बिल्कुल भी हाइक नहीं आया है। एंड इस कार को हम बोल सकते हैं कि ये पहली कार होगी विद BS6 अपग्रेड जिसमें आपको कोई प्राइस हाइक देखने को नहीं मिलता है। एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग एंड दैट्स अ ग्रेट जॉब जो महिंद्रा ने करी है। सो अगर मैं हर वेरिएंट के प्राइजेस बताऊँ आपको, तो द W4 BS4 में जो था प्राइस 8.69 था और अभी भी 8.69 रखा गया है। W6 9.5 था BS4 में और BS6 में भी यही रखा गया है। W6 ऑटोमेटिक का 9.99 था, अभी भी यही रखा गया है। W8 AMT अब डिसकंटिन्यू कर दी है, अब W8 में आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। वेयर एज W8 ऑप्शनल 12.14 लाख की थी, अभी भी सेम प्राइस रखा है। W8 ऑप्शनल ऑटोमेटिक आपको मिलेगी, जिसका प्राइस भी सेम एज बिफोर ही है 12.69 लाख। सो मुझे भी शौक लगा कि महिंद्रा ने अपनी कार का प्राइस चेंज क्यों नहीं करा है। सो गाइज, अगर हम इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, देर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस इन द पावर आउटपुट ऑफ डीजल मोटर। जो BS4 कंप्लायंट डीजल मोटर थी वो प्रोड्यूस करती थी 117 BHP, बट जो अब BS6 इंजन आया उसको कम पावर दे दी है, विच इज़ 115 BHP। Thankfully, there is no change in the torque and output. It remains constant at 300 Nm of torque, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है, इन्होंने इसको नहीं कम करा। Gearbox option आपको सेम ही मिलेंगे, 6-speed manual and automatic. और जैसे कि मैंने आपको बताया, W8 automatic कर दी है discontinue. और Mahindra has some major plans around XUV300 के अभी coming months में वो launch कर सकते हैं XUV300 Sports, जो ऑटो एक्सपो पे भी दिखाई गई थी। उसमें आपको मिल सकती है 1.2 लीटर की GDI टर्बो पेट्रोल मोटर। द इंजन विल बी पार्ट ऑफ महिंद्रा न्यू एम स्टैलियन रेंज ऑफ इंजन्स, जिसकी पावर होगी 130 BHP एट 230 Nm ऑफ टॉर्क और एन एडिशनल 20 BHP एंड 30 Nm ओवर द स्टैंडर्ड टर्बो पेट्रोल मोटर। द लॉन्च वॉज प्लान्ड फॉर April 2020, बट कोरोना वायरस आउटब्रेक के कारण वो डिले हो गया है। और अभी Mahindra is also testing their XUV300 electric, जिसका हम launch expect कर सकते हैं 2021. So guys, anyways, thanks for watching this video. Make sure to hit the subscribe button on also the bell icon, ताकि आप मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियोस पर नोटिफिकेशन पा सकें। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, make sure to hit the like button also. Till my next video, bye bye.